टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा की थाना दादरी पुलिस को देर रात उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से तस्करी के लिए ले जाई जा रही करीब 63 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की, लेकिन इस दौरान तस्कर पुलिस को चकमा देकर ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। दरअसल शुक्रवार रात को थाना दादरी पुलिस द्वारा नगला नैनसु गेट के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोकने का संकेत दिया गया, जिस पर ट्रक चालक ट्रक को धीमा करते हुए स्टार्ट हालत में छोड़कर एक अन्य व्यक्ति के साथ जंगल की तरफ भाग गया। शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दादरी पुलिस द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक 12 टायर ट्रक उसको रोकने के लिए इशारा किया गया। ट्रक के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर ट्रक को धीमा करके भाग गए। जब ट्रक को चेक किया गया तो ट्रक के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। लगभग 1200 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी बाजार मूल्य 63 लाख रुपए है। साथ ही में 12 टायर ट्रक बरामद हुआ है, इसको पुलिस कब्जे में लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। पुलिस पार्टी द्वारा काफी तलाश किया गया, परंतु जंगल और अंधेरा होने के कारण वो नहीं मिल सका। ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में 1200 पेटी माइल हाई शराब बरामद हुई, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 63 लाख रुपए है। दादरी पुलिस द्वारा ट्रक को नियमानुसार कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस फरार हुए तस्करों की तलाश कर रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से भूपेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।